ये कैरेक्टर विटनेसेस आर बीइंग सो फनी कि ओह माय गॉड मेरा ये मैच हो रहा है. डिड यू रीच आउट टू मी एंड से लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट या ये तुमको क्या जरूरत है. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दीज वर द मेन एलिगेशंस दैट आई वांटेड टू काउंटर. आई वांट टू टॉक अबाउट दीज कैरेक्टर विटनेसेस जो आ गए हैं सामने. इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका कैरेक्टर विटनेस कौन बनेगा और फिर उनका कौन बनेगा, और ये कैरेक्टर विटनेस क्या होता है. ये मीडिया ट्रायल में आप कैरेक्टर विटनेस बन रहे हो, व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट. इफ़ यू ट्रूली वांट टू सपोर्ट समबडी, बी अ कैरेक्टर विटनेस इन द कोर्ट. सी कैरेक्टर का तो ऐसा, आई थिंक करण का भी एक बॉडी ऑफ वर्क है, मेरा भी एक बॉडी ऑफ वर्क है. दिस वॉज प्रॉबेबली द फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ आर लाइफ एंड इट्स अनफॉर्चुनेट जो कुछ भी हो रहा है. और ये कैरेक्टर विटनेसेस आर बींग सो फनी कि ओ माई गॉड मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये इग्नोर, वॉट इज़ दिस. आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की ज़िंदगी का. जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहे, 13 साल मैं उस आदमी के साथ रही हूँ, मेरे से बड़ा कैरेक्टर विटनेस उसका कौन हो सकता है. और आप मेरे बच्चे के बारे में सोच रहे हो, बोलो वी आर बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू बी बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड. डिड यू रीच आउट टू मी एंड से लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट या ये तुमको क्या ज़रूरत है. यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव टू चिल्ड्रन. हेल्प ऐसे होती है. एक तरफ आप बोल रहे हो वीडियो में दैट बहुत खुददार लड़की है, मैंने उसको पूछा था हेल्प के लिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आई थिंक दिस इज अबाउट एलिमनी. डिड यू नो दैट करण हैज़ एक्चुअली आस्क फॉर एलिमनी. दोज कैरेक्टर विटनेसेस जस्ट ऑन, क्योंकि उसने उसको मैसेज किया तो वो कैरेक्टर विटनेस बन गई. इट्स जस्ट सरप्राइजिंग, यू नो दे आर सेइंग कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं जासूस होती. ये कैसे टाइप के वीडियोज़, आई डोंट इवन वॉन्ट टू कमेंट ऑन इट एंड मेक अ मॉकरी आउट ऑफ दिस. आई डोंट वॉन्ट टू पे हीट टू दिस काइंड ऑफ पीपल. आई थिंक पीपल शुड माइंड देयर ओन बिजनेस. और दूसरे मेरे करीबी दोस्त जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि निशा इज़ हंग्री फॉर लव बिकॉज उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, उसके पापा भी नहीं थे, इसको आप इतने ड्रामेटिकली पैकेज कर रहे हो. हम में से कई लोग होंगे जिनके पापा नहीं होंगे या इन्हें प्यार नहीं मिला. मैंने तो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल आउट देयर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है. जो चीज़, जो कॉन्वर्सेशन आप एक दोस्त के साथ सेंसिटिवली अलग से प्राइवेट में करते हो, उसको आपको लगता है यू आर एट लिबर्टी टू गो आउट एनी वेयर एंड टॉक अबाउट इट इन एनी लाइट कैजुअली व्हेन योर फ्रेंड इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी. आप दोस्ती निभा रहे हो और आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि जो किटी आपकी दोस्त ने फॉर्म की थी वो किटी को तोड़ के आप एक नई किटी जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहे हो. दीज आर योर फ्रेंड्स. इट्स जस्ट सैड एंड डिसहार्टनिंग. लाइक आई सेड, लुक, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, आई वॉन्ट टू यूज ऑल माई एनर्जीज एंड आई वॉन्ट टू गैदर ऑल माई स्ट्रेंथ एंड आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई चाइल्ड फ्यूचर. बिकॉज इफ आई डोंट डू इट, nobody else will, not my friends, not the character witnesses, not his father. If his father really wants to do something, then uska ek sahi legal tarika hota hai, wo follow karo. But what exactly went wrong, Nishka, ki ye jo aapki friends the aapke against jaakar are now supporting? I really don't know because I don't have the time to go and gossip do ghante sab logon ke sath baith ke. I have not done that. All my friends know it. Main kabhi kisi ko jaake maine apna dukhda nahi sunaya because I don't have the time. And neither is that my inclination. I don't know what happened between me and my best friend. I think it was just a difference of opinion on something, and then a lot of jazz and a lot of crap happened, which I don't want to get into. बहुत सारे statements ऐसे pass किए गए, but जो मुझे नहीं लगता था कि उनकी freedom थी ऐसा बोलना. But I just feel that they're still my friends, and I've spent some good time with them. I just want to tell them to back off and lay off and to just mind their own business. And to just let me be, that's all I'm asking. And आप सभी से भी मेरी एक request है कि जब आप एक ऐसा platform create करते हैं किसी के लिए भी बात करने का, तो please पहले उन facts को verify कर लीजिए, क्योंकि they become very damaging. The media is very powerful, you all know that. So let's use our power in the right way.